गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज के टाइम पे हम चाहते हैं कि हम सभी अच्छे दिखें, हमारा फिगर भी अच्छा दिखे, और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, बट रिजल्ट क्या होता है, हमारा फिगर वैसा का वैसा। और आज के टाइम पे हम सभी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, और इसके चक्कर में ना जाने कौन कौन सी क्रीमें यूज़ कर लेते हैं, कौन कौन सी टैबलेटें खा लेते हैं। स्टार्टिंग में उनके साइड इफेक्ट होते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेस्ट का ग्रोथ तो बढ़ जाता है, बट धीरे धीरे उनमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी कई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के मेरे वीडियो में इसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप भी चाहती हैं कि आपका ब्रेस्ट का साइज अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, और साथ ही आपके ब्रेस्ट टाइट भी हो। आप जो भी ड्रेसेस वगैरह पहने, जो भी फिटिंग वगैरह फिटिंग वाली ब्रा पहने, वो सभी आप पर सूट रखें। तो इसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के टाइम में हम सभी सुंदर और अच्छा दिखना चाहते हैं, और इसके लिए ना जाने कितनी तरीके की क्रीमें चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ना जाने कितने तरीके के प्रोडक्ट अपने ब्रेस्ट पे लगा लेते हैं, कितनी क्रीमें लगा लेते हैं, बट उनका रिजल्ट कुछ नहीं होता है और उनमें हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं। कई बार तो ब्रेस्ट कैंसर होने की भी संभावना रहती है। क्या आपको पता है मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर होने का रीज़न क्या है? यस, गलत साइज की ब्रा चूज करना, ब्रा टाइट पहनना, साथ ही हर तरीके की क्रीमें यूज करने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। एंड दूसरा टॉपिक है, जब हम बच्चे को फिटिंग कराते हैं, उस टाइम जो हमारा मिल्क रहता है वो बाहर नहीं निकलने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस, अगर आप भी चाहती हैं कि आपका ब्रेस्ट का साइज काफी सुडोल हो, अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, आप सुंदर दिखें, तो उसके लिए आप ये ब्रेस्ट ट्रिम मंत्रा की ब्रेस्ट क्रीम यूज कर सकती हैं, जो कि ट्रिमिंग जेल है। काफ़ी अच्छी ट्रिम क्रीम है, और इसको लगाने के बाद से ही आपको इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सी गर्ल्स की वेडिंग होने वाली होती है, मैरिज होने वाली होती है, तो ऐसे टाइम पे वो चाहती है कि मेरा जो फिगर है वो काफ़ी अच्छा लगे, या कई टीनेजर्स गर्ल्स में भी काफ़ी क्रेज चल गया है, वो चाहती है कि हमारा फिगर अभी से काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी सुंदर हम दिखें, कोई भी हम टॉप वगैरह पहने तो अलग से अट्रैक्टिव दिखें, तो उसके लिए आप इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। मार्केट में जितनी भी क्रीमें आती हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी कि बिना सोचे समझे आप कोई सी भी क्रीम मेडिकल से उठा के मत लेकर आना। हम सिर्फ पिक्चर देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे वाह, इसका फिगर इतना ज़्यादा है तो मतलब ये क्रीम हम पे इफेक्ट करेगी, और हम उस क्रीम को लेकर आ जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर्स में कभी भी आपको नहीं जाना है। हमें ऐसी क्रीम यूज़ करनी है जिनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। तो उसके लिए ब्रेस्ट ट्रिम की मंत्रा क्रीम काफ़ी अच्छी है, ब्रेस्ट ट्रिमिंग जेल है, और इसके अंदर ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपके ब्रेस्ट को नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, ऑलिव ऑयल है, ब्लैक सीड्स हैं। मीन्स ये सभी हमारे ब्रेस्ट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और इसे आपको कैसे यूज़ करना है, इसे आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिलता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको इन्हीं दिनों में यूज़ करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है इस क्रीम को आपको निकालना है। अरे, और निकालने के बाद इस तरीके से आपको अपने ब्रेस्ट पर इससे मसाज करनी है, या सर्कुलर मोशन में आपको इस तरीके से मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ। कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ मसाज मत करना, आपके जो ब्रेस्ट है वो और ज़्यादा लूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे तो आपके ब्रेस्ट का साइज भी इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। किसी भी चीज़ के रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिलते हैं। आप सोचो मैंने आज लगा लिया, 10 दिन में मेरे ब्रेस्ट 32 से 38 हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्रीम के रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इससे मसाज करेंगे तो आपके जो ब्रेस्ट है वो प्रेस होंगे, और प्रेस होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिससे आपके ब्रेस्ट का साइज इम्प्रूव होगा। तो इसे आप यूज़ कीजिए, और डेली आपको जब भी टाइम मिलता है 15 मिनट्स आप इसको यूज़ कीजिए, और इसको यूज़ करने के बाद आपको क्रीम को इस तरीके से मसाज करनी है जिससे वो आपके ब्रेस्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाए, आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो आप ब्रेस्ट को धो लीजिए 15 से 20 मिनट के बाद, उसके बाद ही बच्चे को फीड कराइए, ऐसे फीड मत कराइए। तो इसे आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे हैं इसके रिजल्ट मिलेंगे। और मार्केट में काफ़ी तरीके की क्रीमें आती है, तो उस पर आप यकीन मत कीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहीं से चेकआउट कीजिए और वहीं से इसको लीजिए। और कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।